गाड़ी बिकनी है। अरे एक हफ्ता लगातार ही रेट घटता जा रहा है, तो उनको तो बहुत ही भारी लॉस है। अब वो भी डीलर पे ठोक दी, डीलर से खींचने, डीलर के पैसे से खींच के अपना कर रहे हैं। स्टॉक हमारा है, मर्जी पैसे एडवांस दे के हम तेल देते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे हिसाब से। सरकार सर ये भी करेगी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी होम डिलीवरी भी की जाएगी, वो ही नहीं सकती। एक तरफ तो सिक्योरिटी के इतने नियम है, लेट हो सकता है, और फिर होम डिलीवरी होगी तो उनकी जान माल की रक्षा सुरक्षा का इंतजाम अगर सरकार के पास है। सारे हिंदुस्तान का एक्सप्लोसिव लाइसेंस कौन देगा? आप कहीं भी गाड़ी लेके चले जाओ, तेल जहां भी जाएगा वहां पे एक्सप्लोसिव लाइसेंस चाहिए। तो ये सारी बेकार की मतलब फालतू की एक्सरसाइज ना, जैसे हवा में चलाने की। आगे जब अपनी बात करा, प्रैक्टिकल अगर करें तो हम भी तैयार हैं। हम आज करनाल में पूरे डीलर कम्युनिटी के जितने भी नुमाइंदे हैं, हमने सब ने इकट्ठे होके ये डीलर हित में एक फैसला लिया है कि सरकार और कंपनियां, तेल कंपनियां जो जबरदस्ती डेली प्राइस चेंज हमारे ऊपर थोप रही हैं और जिनकी वजह से हमारा हर रोज नुकसान हो रहा है, उसको सरकार इग्नोर कर रही है और हमारे साथ जुल्म कर रही है, उसको देखते हुए हमने दो दिन का संकेतिक नो परचेज का स्ट्राइक रखी है। अगर इसके बाद भी कंपनियां नहीं जागी और उन्होंने इसको रिव्यू नहीं किया तो 15 दिन के बाद हम दोबारा मीटिंग करके फिर इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे, जिसमें हम ना सेल करेंगे ना परचेज करेंगे, क्योंकि अगर हम जिंदा ही नहीं रहे तो फिर हम पंप चला के क्या करना है। अगर हमने अपना ही जो पूंजी है वो ही खानी है, क्योंकि कमीशन तो पहले ही कंपनियां नहीं दे रही, बेशक सीबीआई जांच करा ले, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, एक पैसा कमीशन नहीं दे रहे हैं। टोटल रीइंबर्समेंट है जो हम कॉस्ट और एक्सपेंडिचर का, वो भी पूरा नहीं दे रहे, और इसके बावजूद भी हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। इससे पहले नोटबंदी में हमारे साथ जुल्म किया, पहले हमारे थ्रू पैसे दिलवाए लोगों को, बाद में कह दिया इनकम टैक्स वालों के यहां के भी दे के आओ। तो इस जुल्म के खिलाफ हमने दो दिन का ये नो परचेज रखा है, और अब 15 दिन के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोबारा से इकट्ठे होके एक सख्त स्टेप लेंगे, ताकि हम अपने आप को और अपने डीलर भाइयों को, खास करके जो लो सेलिंग डीलर हैं, उनको बचा सकें। सरकार द्वारा काफी समय पहले से ही बात की जा रही थी कि डेली प्राइस चेंज वाला वो कर रहे हैं। नहीं, बहुत दिन पहले से चर्चा थी और हमने प्रोटेस्ट भी किया, 14 तारीख को मंत्री ने मीटिंग की, हमने वहां भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने एक तरफा डिसीजन दे दिया कि ये तो करना ही करना है। अभी कल भी मीटिंग थी, 28 तारीख को दिल्ली में हम मीटिंग करके आए हैं, और वहां भी उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, और उन्होंने ये माना है कि हमारे पास डेली रिपोर्ट है और ये हम मानते हैं कि नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें 15 दिन का टाइम दो, इसीलिए हमने संकेतिक नो परचेज की है, और 15 दिन के बाद उनका जो समय है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा से मीटिंग करके अपने फ्यूचर को और अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई सख्त फैसला लेंगे। करनाल में हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो है आज एक अहम मीटिंग हुई, और डेली प्राइस चेंज को लेकर जो है सरकार को घिरती हुई नजर आ रहे हैं हरियाणा भर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, और एक कठोर फैसला लिया गया है कि कल 30 और 1 तारीख को जो है परचेस की जो है स्ट्राइक रहेगी। कोई भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वह परचेस कर जो है एक संकेतिक हड़ताल 2 दिन की कर रहे हैं, और अगर सरकार द्वारा जल्दी इस मामले में कोई कठोर फैसला नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जो है हरियाणा भर के पेट्रोल पंप वाले जा सकते हैं। करनाल के होटल ज्वेल्स में जो है आज इस अहम मीटिंग का आयोजन जो है हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।